हेलो, तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्जाम। एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं दोस्तों जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया हमें, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की संरचना का भाग नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमसे नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भूपर्पटी, और दूसरा आवरण, और तीसरा है केंद्रीय भाग, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सूचकांक। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे नहीं पूछा गया है, तो वह हमारा सूचकांक जो है पृथ्वी की संरचना का भाग नहीं है, सूचकांक। और बाकी ये जो तीनों भूपर्पटी और आवरण और केंद्रीय भाग, ये तीनों पृथ्वी की संरचना के भाग हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर दो दिया गया है, बहाव की दृष्टि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बहाव की दृष्टि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन ए हमें दिया गया है गंगा नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी, या नर्मदा नदी, या गोदावरी नदी। तो बहाव की दृष्टि हमारी सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, वह है हमारी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीन को, इनमें से कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, या नंदा देवी, या कामेट पर्वत। तो अगर हम कंचनजंगा की बात करें दोस्तों, तो यह हमारा भारत में है, और ये नंदा देवी भी हमारा भारत में है, और यह कामेट पर्वत, ये तीनों पर्वत दोस्तों हमारे भारत में पाए जाते हैं। और अन्नपूर्णा जो है दोस्तों, यह हमारा नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है अन्नपूर्णा? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर चार को, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, या यूरोप महाद्वीप, या एशिया महाद्वीप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों, वह है हमारा एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहीं पर संसार का सबसे छोटा महाद्वीप, तो वह हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा है, और एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच को, सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है, या चंद्रमा, या ग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का दोस्तों जो स्रोत है, वह हमारा है सूर्य। क्या है? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, सूर्य। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। ऑप्शन ए हमें दिया गया है 1986, या 2002 में, या 2001, या 1968 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों हमारा बना था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम हमारा सही जवाब है। सिंपल सी बात है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। और इसके बाद हम देखते हैं फटाफट प्रश्न नंबर सात की तरफ, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है बाढ़, या चक्रवात, या ज्वालामुखी, या औद्योगिक दुर्घटना। तो अगर हम बाढ़ और चक्रवात और ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, तो ये हमारी तीनों जो हैं प्राकृतिक आपदा हैं। ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना है दोस्तों, ये जो है हमारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ, सॉरी आठ की तरफ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ हमसे पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो क्या है वह? शुक्र है, या बृहस्पति है, या मंगल है, या शनि है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों, वह हमारा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर नौ की तरफ, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्या वह 5 जुलाई को मनाया जाता है, या 5 जून को, या 1 मई को, या 16 सितंबर को। तो पर्यावरण दिवस जो है वह हमारा मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? रोहिणी है, या आर्यभट्ट है, या मंगल है, या चंद्रमा। तो पृथ्वी का दोस्तों जो प्राकृतिक उपग्रह है, वह हमारा है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जलियावाला
बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलवाई थी दोस्तों, तो वह किसने चलवाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या जनरल डायर ने, या लॉर्ड साइमन ने? तो वह दोस्तों जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, वह दिया था हमारे जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने, जिसकी हत्या किसने की थी दोस्तों? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। सागरी जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है? ऑप्शन ए 40%, 37%, या 35%, या 10%। तो सागरी जल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सागरी जल में 35% लवणता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए आल्बत पर्वत श्रेणी, या रॉकीज पर्वत श्रेणी, या एंडीज पर्वत श्रेणी, या छोटा नागपुर पर्वत श्रेणी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, वह हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी है। और यह कहां पर है? यह है दक्षिण अमेरिका में। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।